इंटरव्यू मेरा यूपीएससी की पूरी जर्नी में सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस कोई था दैट वाज माय इंटरव्यू अलहमदिल्लाइ स्कोड वेरी वेल इन इंटरव्यू तो इंटरव्यू फिर द डे ऑफ इंटरव्यू यू आर वेरी नर्वस जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं इतना सीरियस माहौल होता है आप बाकी एस्पिरेंट्स को देखते हैं एंड एन एज अ लाइन जिससे आपको अंदर पर्टिकुलर टाइम पे वो लोग डोर ओपन करेंगे आप अंदर जाएंगे आपको अपने फ़ोन दे देने साइड पे पर सामान वो लब और आपको कुछ टोकन देते हैं उसके बाद दे टेक यू इन साइड अ राउंड टेबल जहाँ पर फाइव सिक्स कैंडिडेट्स बैठते हैं और वो फाइव सिक्स कैंडिडेट्स एक पर्टिकुलर बोर्ड के पास जाते हैं बिकॉज देर आर सिक्स तो आई सैट ऑन वन ऑफ दोज राउंड टेबल्स और फिर आपका वेरिफिकेशन वगैरह होता है तो वहाँ पर चलो आप दूसरे एस्परेंट से बात करते हैं तो आई वॉज़ वेरी ब्लेस्ड कि मेरे साथ जो दूसरे थे मेरे टेबल पर बैठे हुए थे तो देर इज़ वन कैंडिडेट वी इज़ अ वेरी जॉली नेचर तो उन्होंने बहुत हंसाया वग़ैरह उस टाइम लाइटर कर दिया बिल्कुल मोड को तो बहुत अच्छे से वहाँ पर टाइम निकलता है फिर आपको बताया जाता है आपकी टर्न आ गई है तो देन देर सम वन जो आपको स्कॉट करता है पूरा इंटरव्यू रूम तक और इंटरव्यू रूम के बाहर बिठा देते हैं आपको अकेले दैट इज़ दिली पार्ट और आपको नहीं समझ आ रही होती कि अंदर जाकर क्या होगा बिकॉज इन दियज नो वन जैसे आप बात भी कर सको या किसी को देख सको और आपको बस दूसरे रूम से निकलता ऐसा दिख रहा है कैंडिडेट किसी का मूड अच्छा दिख रहा है किसी का ऐसा दिख रहा है इसके साथ पता नहीं क्या हुआ होगा सो so, वो कोई 10 से 12 मिनट मुझे लगता है वहाँ पर बैठना पड़ता है फिफ्टीन मिनट्स में भी मैं लिखा हुआ कुछ चंद्रशार बोलना चाहूँगी कि तेरी रहमत से बेजार नहीं है अब तो अपने भी गम खाप नहीं है तो, अगर दे, तो क्या बात मौला वरना जीने के आसार नहीं है और फिक्र तो नहीं, लेकिन ये खौफ नहीं जाता। तेरे रूबरू होने को अभी हम तैयार नहीं हो कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो दुष्यंत कुमार जी की ये लाइनें आई गेस आज की जिनके साथ हम पॉडकास्ट करने वाले हैं परफेक्ट फिट बैठती हैं आज जिनके साथ हम बात करने वाले हैं उनका नाम है सीरत बाजी शी इज़ द करंट डी एस पी नाओ शी हैज़ क्लियर आई एस एग्जाम अभी एंड वी विश हर बेस्ट ऑफ लक आज जिनके साथ हमने पॉडकास्ट में बात की है uh, उनकी जर्नी के बारे में बात की है उनकी स्कूलिंग के बारे में बात करी है आई रिमेम्बर मैं पहली बार उनको एक पोएट्री इवेंट में मिली थी uh, तो जिनको शायद नहीं पता है वो पोइट्री लिखते हैं हमने उन पोइट्री के बारे में बात तो की तो है उनकी डिबेट कॉम्पिटिशन्स के बारे में बात तो की है आज का पॉडकास्ट उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है जो आई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने जा रहे हैं जे के एस की, तो की तो प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो प्लीज़ आप ये पॉडकास्ट पूरे एंड तक देखें 30 से 35 मिनट का ये पॉडकास्ट है

हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है जो आज, आज हमारे साथ गेस्ट हैं वो मैं उनको पहले भी मिल चुकी हूँ लेकिन ऐसे ऑफिशियल इवेंट पे नहीं एक पोइट्री इवेंट पे आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है सीरत बाजी हेलो मैम हाउ यू हेलो आई एम गुड पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन आपने जम्मू एंड कश्मीर पूरे आ, भारत में हमारा नाम रोशन किया तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम मैम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं आपकी स्कूलिंग आपकी तरबियत कहाँ से हुई फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच Uh, मेरी स्कूलिंग जम्मू से ही हुई है इवन द प्राइमरी स्कूलिंग उसके बाद भी आई इन आर्मी स्कूल फॉर इंटरनेशनल आई डिड माई ट्वेल्थ फ्राम देर उसके बाद मेरा बैचलर्स इंग्लिश ऑनर्स में फ्राम जी सी डब्ल्यू गांधी नगर एंड देन मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम यूनिवर्सिटी

कहाँ से आया कि केस ही करना है रहता क्योंकि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में बैंकिंग जॉब्स या फिर कोई और जॉब्स को ज्यादा महत्व देते हैं बींग अ गर्ल गर्ल चाइल्ड कैसे आया एक्चुअली uh, mm, ऐसा नहीं था कि दिमाग में बना लिया था कि यही करना है बिकॉज आई एज आई सेड आई डिड माय मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर जे आई क्वालिफाइड दैट ड्यूरिंग माई मास्टर्स ओनली सो But uh, the moment I was done with my masters, and there were uh, vacancies of JKS. So when the vacancies were out, so my family said that go for it. So uske because I knew that I have something to fall back on. Mm -hmm. So that's how after completing my masters in uh, 2020 November or December, it got completed. So, three years back, in mm. 21, I started preparing. So, I started preparing because now, the syllabus is the same for UPSC and JKPSC. So, that's how it started. I took English literature as my optional subject since I had studied it well. So, that's how it all started and that's how it happened. <laughs> English literature, we were talking earlier that... It's a जो हर कोई नहीं लेता है uh, agreed, agreed. Family, this, mm -hmm. के आप इंग्लिश लिटरेचर लें बिकॉज इट इज थॉट ऑफ के इट्स नॉट अ स्कोरिंग सब्जेक्ट लिटरेचर इज नॉट दट स्कोरिंग सब्जेक्ट एज फार एस सिविल सर्विस इज कंसर्न तो क्या माना जाता है कि इसका जीएस के साथ भी इतना ओवरलैपिंग नहीं है तो इट्स अ रिस्की सब्जेक्ट दैट्स बट आई थॉट इट आई वाज ऑलरेडी अ आर इन इंग्लिश लिटरेचर आई डिड इंग्लिश लिटरेचर सो आई थॉट इफ आई इट्स बेटर टू समथिंग जो ऑलरेडी जिसका फाउंडेशन बना हुआ एंड आई टू स्टार्ट बिल्डिंग ओवर इट सो आई थॉट दिस एंड आई लव स्टार्टिंग आई एम इन टीज नो सो आई थॉट ऑफ के नहीं इतना टाइम पढ़ना भी है आई गो विद लिटरेचर बहुत बार सब कहते थे इसमें मार्क्स नहीं आएंगे नहीं आएंगे इवन यस्टरडे ऑल्सो आई गॉट टू कॉल फ्राम अनियर ऑफिसर फ्राम तेलंगाना तो बिकॉज इंटरव्यू का मेरा स्कोर अच्छा था तो उन्होंने कहा कि आपका ऑप्शनल क्या था तो so, मैंने कहा इंग्लिश लिटरेचर इवन य से आपने क्यों लिया था इंग्लिश लिटरेचर

इट्स अ होल ओशन जिसमें आपको हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी दैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी देर सो मच टू इट तो आप वो पढ़ पढ़ कर पढ़ पढ़ कर पढ़ पढ़ कर देर कम्स अ टाइम जब आपका माइंड फील स्टेग्नेटेड और ऐसा वैसा तो उस टाइम पे लिटरेचर डेफिनेटली हेल्प मी आई स्टार्टेड रीडिंग वर्ज वर्थ की कोई पोएम उठा ली या चार्ट रीडिंग जॉन लन तो दैट्स रिग्रेट इट इवन टूडे तो अलहमदिल्ला आई एम हैप्पी आई टुक लिटरेचर बिकॉज आई लव स्टार्टिंग इट एंड आई एम कंटेंट फैमिली hmm, um, का क्या रोल रहा है आपके आप में जर्नी में क्योंकि हमें पता है कि फैमिली एंड फ्रेंड्स जो आपका आउटर सर्कल होता है कहते हैं कि बहुत uh, महत्व देता है तो फैमिली का क्या रोल फैमिली का बहुत अच्छा रोल रहा मैं कहूंगी फैमिली का फ्रेंड्स का फैमिली का खास तौर पर बहुत अच्छा रहा क्योंकि हम छोटे होते हैं इतना नहीं पता होता हमें अभी बट माय फैमिली रियली वांटेड मी टू अपेयर फॉर दिस एग्ज़ामिनेशन ऑल दो मैं हमेशा कहती हूँ कि आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि हाँ यू शुड बी इंडिपेंडेंट यू शुड हैव समथिंग इन योर हैंड और वेरी ना दैट कॉन्टेंट काइंड ऑफ पर्सन इतना ज्यादा कुछ भी नहीं नॉट दैट एम्बिशियस एंड ऑल ऑफ दैट तो बट माई फैमिली रियली वॉन्टेड टू मी टू अपेयर इन दिस एग्जाम मैं अभी रिसेंटली मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर भी क्लियर हो गया था तो आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट जॉब तो आल दिन क्योंकि उसका भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर मेरा नहीं आया था बट आई गॉट सिलेक्टेड तो आई रियली वॉज होपिंग एजुकेशन गो टेक यूर अमेजिंग वर्क लाइफ बैलेंस यू टाइम फॉर पोएट्रीम आई एम तो माई फैमिली चलो mm -hmm. mm -hmm. try, अगर नहीं हुआ तो कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है

तो ऑन बर्थ माई बर्थ डे इट वॉज जस्ट टू टू थ्री मंथ्स बैक सो आई टोल्ड माई फैमिली कि अब मुझे पढ़ना नहीं है अब जो हुआ हुआ मैं पापा को कहती भी थी हुआ तो ठीक है नहीं होता है तो नहीं तो मैंने तो इसके बाद पढ़ना नहीं है सो बट देवर लाइक नहीं हो जाएगा सो देवर वेरी सपोर्टिव वेरी सपोर्टिव डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं ना कि कुछ मतलब हम ऐसे बोलते हैं कि जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो एक तो फोन सोशल मीडिया एंड सेकंड नंबर फ्रेंड्स चलो चक्कर लगने चलते हैं चलो कुछ घूम के आते हैं फिर का वही तो डिस्ट्रैक्शन रहा है आपके फैमिली और मतलब फ्रेंड्स को आप डिस्ट्रैक्शन मान दें कि नहीं, नहीं मैं नहीं मानती मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं मानती इस सबको बिकॉज़ देखें हर चीज अगर बैलेंस तरीके से की जाए तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होती बट आप बहुत ही ज़्यादा कोई फ़ायदेमंद चीज़ है अगर आप उसका एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो वो आपको ज़रूर डिस्ट्रैक्ट कर सकती है तो मैं फैमिली फ्रेंड्स को डिस्ट्रैक्शन नहीं मानती बिकॉज ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप अपने आप को एक रूम में बंद कर लें और बस प्रिपरेशन करते रहें करते रहें इट्स नॉट लाइक दैट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सोशल एनिमल है तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं सो so, मैं नहीं मानती मैंने फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड किया वक्तन फवक्तन हम मैं मिलती रही हूँ उनसे भी फैमिली के इवेंट्स में भी हाँ जब एग्जाम्स पास होते हैं देन तो डेफिनेटली यू हैव टू यू हैव टू यू नो स्टे एट होम मैंने भी कुछ फंक्शन मिस किए फैमिली के बट दैट्स बिकॉज जब एग्जाम्स बिल्कुल नज़दीक होते हैं एंड यू नो दैट द एग्जाम डिमांड्स योर आपने um, पहले के एस किया फिर उसके बाद

यू पी एस सी का प्रलम्स था सो आई वॉज इन दैट प्रिप्रेशन मोड आई हैड प्रिपेयर ऑब्वियसली पहले मैंने किया तो था प्रपेयर सो आई थॉट ऑफ के आई एम ऑलरेडी इन दी प्रपेशन मोड तो आई शुड डेफिनेटली और सच बताऊँ तो प्रलम्स से कुछ दिन पहले मैं सोच रही थी मैं दूँ या नहीं दूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम वेरी ऑनेस्ट इन दिस आई was इन श्रीनगर इम्पा में हमारा ट्रेनिंग चल रहा था मेरा सेंटर यहाँ पर था जम्मू में एंड डेफिनेटली आई was डबल माइंडेड कि मैं देने आऊँ या नहीं आऊँ बिकॉज बट फिर मैं काफ़ी सारे का, हमारे इम्पा से भी काफ़ी सारे ऑलरेडी जो क्वालिफाइड एस officers सब आ रहे थे लेने के लिए prelims। तो मैंने सोचा और मैं घर भी काफ़ी टाइम से नहीं आई थी इम्पा में थी तो मैंने कहा इस बहाने घर भी चली जाऊंगी और प्रिलिम्स भी अटैम्प्ट पापा ने बोला कि नहीं आप आओ क्योंकि मैंने लिया नहीं था पहले प्रिलिम्स उससे पर इसी वजह से कि मैंने नहीं देना है आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन के कुछ इतना ज़्यादा नहीं होता है मुझे तो बट आई केम आई अपेड फॉर इट और सिंस आई वॉज ऑलरेडी इन दैट प्रिपरेशन मोड व्हेन आई क्वालिफाइड फिल्म तो आई बिकेम वेरी सीरियस फॉर माई मेट्स देन तो आई वॉज लाइक नहीं

कर भी रहे हैं कंटिन्यू कर रहे हैं पता नहीं रिजल्ट आएगा everyone, मतलब, हाँ, कोई होता है कि पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वैसा कुछ था it. It UPC, आप किसी भी एग्जाम के लिए बैठेंगे ना तो डेफिनेटली इट आपको लगता है कि मे बी मेरा एफर्ट वेस्ट जा रहा है मेरे साथ वाले तो कुछ और कर रहे हैं आर डूइंग गुड इन लाइफ मैं क्या यहाँ पर किताबों में हूँ इससे क्या ही हासिल होगा मुझे सो इट वेल मुझे भी लगा कितनी बार के क्योंकि मैंने मास्टर्स के बाद सिविल्स के लिए पढ़ना स्टार्ट किया था तो आई वाज ऑलरेडी जेआरएफ आई कुड हैव इजीली जॉइंड रिसर्च तो मुझे भी बीच में लगा कि आफ्टर इवन 3 मंथ्स इनटू प्रिपरेशन जम्मू यूनिवर्सिटी में पीएचडी की वैकेंसीज वर आउट आई थॉट ऑफ जॉइनिंग इट ऑनेस्टली आई थॉट कि मुझे जॉइन करना है बट देन मेरा चल रहा था प्रिपरेशन अच्छा तो इट डज हैपन दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू यू डू फील क्योंकि uh, खास तौर एक वक्त था जब के एस के मेन्स का रिजल्ट हमारा एट मंथ्स के बाद आया था सो विच वॉज आपको नहीं पता आपका होगा भी नहीं होगा <laughs> हाँ कंटिन्यू करें नहीं करें तो वो स्पैन में आई डे उसके बाद तो एक के बाद एक गॉड विजी बट वो बहुत ज्यादा ना डिप्रेसिंग फेज था कि आएगा पॉजिटिव आएगा मेरी फ्रेंड का मैंने जिक्र किया था आपसे तो मैं और वो Uh, हम सोनाली और मैं यही बात करते थे कि होगा नहीं होगा तो उस टाइम पर जरूर ऐसा होता है बट देन वही चीज़ है ना कि यू हैव टू बैलेंस आउट थिंग्स यू हैव टू सेट दियोरिटी आपको करना है फिर भी या नहीं करना है सो आई थॉट कि नहीं अभी दिया है तो वेट तो करना है तब तक प्रिपेयर करते हैं तब तक ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करते तब तक प्रिपेयर करते हैं तो आई बिलीव फिर फैमिली को भी आगे पीछे देखना कि वो लोग आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं उनको इतना यकीन ऐतमाद होता है कि नहीं ये कर लेगी सो दैट डेफिनेटली बूस्ट्स योर

Uh, कोई शख्स यहाँ पे बैठता है तो मैं से हमेशा ये पूछती हूँ कि प्लान बी होना चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए? Feel, होना चाहिए टू यू आई कैन गिव यू व्हाट आई फील ना आई कैन गिव माय ओपिनियन आई बिलीव प्लान बी होना चाहिए आई बिलीव आई एम बिलीव कि आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए लाइफ में प्लान बी होना चाहिए सी यू ऑल यू कैन डू इज गिव योर बेस्ट यू आर नैवर श्योर ऑफ़ दी आउटकम नो मैटर वॉट नो मैटर हाउ मैनी आवर्स यून नो मैटर हाउ मनी ईयर्स ऑफ यू गिवन बट यू कैन नेवर बी श्योर ऑफ़ दी आउटकम सो इन दैट केस आई टोटली बिलीव कि आपके पास प्लान भी होना चाहिए एंड कहीं दफ़ा क्या होता है कि छः छः साल सात साल साल आप सिविल सर्विस को तो इसी सिविल सर्विसज इज़ ऑल्सो अनदर जॉब हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा इसका ये है कि सिविल सर्विसज जब क्वालिफाई भी होता है तो चार पांच दिन के लिए मीडिया सोशल मीडिया न्यूज पेपर <laughs> सी सच थिंग जिसकी वजह से तो ये हम देखते देखते बड़े हुए हैं कहीं कहीं ना कहीं उन चीजों ने भी हमें कहा कि नहीं कितना नाम हो रहा है वी शुड ऑल्सो डू दिस जो रियलिटी है बट आई पर्सनली फील के इट्स अनादर जॉब इट्स जस्ट लाइक एनी अदर जॉब टू बी वेरी ऑनेस्ट हर चीज के पर्कस होते हैं hmm. हर हाँ चीज़ अगर आप कोई और जॉब भी कर रहे हैं कुछ उसके भी प्रोज होंगे कुछ कॉन्स होंगे सिविल सर्विसेज के भी कुछ प्रोज होंगे कुछ कॉन्स होंगे डेफिनेटली आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाते यू आर नेवर श्योर ऑफ वॉट कार्डर यू आर गेटिंग वेयर विल यू बी पोस्टेड हाउ विल यू बी एबल टू मैनेज योर फैमिली सो देर आर थिंग्स ना हर जगह पर प्रोज एंड कॉन्स आपको देखने को मिलते हैं तो इन दैट केस आई बिलीव के सिविल सर्विसेज जब कोई अनदर जॉब है इसको उसी तरह से ट्रीट भी करना चाहिए अगर आप हैं पैशनेट इसके लिए तो करें बट छः साल सात साल अपनी जिंदगी के इसको दे देना जिंदगी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नियामत है इट्स अ अल गिफ्ट फ्रॉम दी ऑल माई वी शुड चेरिश इट वी शुड एक्सप्लोर ऑल अदर ऑप्शन बहुत अच्छा काम हम बाकी फील्ड्स में भी कर सकते mm. हैं आपका पैशन है आप डेफिनेटली दो तीन साल सीरियसली इसको दीजिए बट इफ दैट डज वर्क आउट

नीयत साफ होती है ना वेन यू हैव अ क्लियर हार्ट और आप उसके साथ दिल साफ रखकर कोई भी काम करते हैं और अपनी मेहनत करते हैं तो मैं मान ही नहीं सकती कि ऊपर वाला आपको फिर नवाजेगा नहीं <laughs> अपना दिल साफ रखकर अपनी नीयत साफ रखकर अगर आप मेहनत करते जाएंगे इट इट मे मे टेक टेक टाइम टाइम थिंग्स डू आप मैगी भी बनाने लग जाएंगे टू मिनट सिर्फ पैकेट के बाहर लिखा होता है <laughs> जब आप बनाने लगते हैं इट डज टेक मच टाइम राइट सो हर चीज वक्त लेती है तो अगर आप वैसे उस तरह से विद अ क्लीन हार्ट अगर आप काम मेहनत करते रहेंगे तो आई कैन यू कि ऊपर वाला आपको डेफिनेटली नवाजता है मेहनत का अजर जरूर मिलता है तो पहला क्रेडिट हम बोल सकते हैं कि आप ऊपर वाला का बिल्कुल डेफिनेटली मेहनत की और उसने उस चीज का अजर दिया तो अलहमदुल्ला आई एम ग्रेटफुल वेरी वेरी ग्रेटफुल वेरी ट्रू um, मुझे आपके स्केड्यूल जाना था कितने घंटे पढ़ते हैं अगर कोई स्टूडेंट वगैरह देख रहे हैं एंड दे टू नो कि आपका स्केड्यूल क्या रहता है आप कितने घंटे पढ़ते हैं ऐसे लोग बोलते हैं कि सत्रह सत्रह अठारह अठारह घंटे पढ़ते हैं या फिर पढ़ना चाहिए वैसा ट्रू है या नहीं देखिए टू टू जोन सबका डिफरेंट होता है बट uh, मैं बताऊंगी कि मैंने अभी क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी सर्विंग आई वॉज इन जॉब तो बहुत मुश्किल होता है टाइम निकालना पुलिस का खास तौर पे तो अभी तो आई कुड मैनेज फाइव आवर्स इस वाले अटैम्प्ट में वो टाइम आवर्स पर डे मैं निकालती थी बट दैट इज आपको कंसिस्टेंसी से वो चीज़ करनी है अगर हाँ हाँ और ये भी इसलिए हो पाया क्योंकि पहले मैंने प्रिपेयर किया हुआ था सो बिगिनिंग में यू विल हैव टू डिवोट मोर टाइम अभी क्योंकि इस टाइम पे आई वाज ऑलरेडी केस तो मैंने पढ़ा हुआ था वो सारा तो आई मैनेज इट विद फाइव टू सिक्स अगर आप कंसिस्टेंटली देंगे ना mm. दिन में अब ये होता है देखें आप पूरा दिन लाइब्रेरी बैठ, mm. बैठ रहे हैं अब दस घंटे बैठ रहे हैं आप बारह घंटे बैठ रहे हैं मगर जो आप क्वालिटी टाइम स्टडी को दे रहे हैं वो दो घंटा या तीन घंटा चल रहा है तो फिर वैसा नहीं मैं जो बाकी का है ये सब कुछ आना जाना बैठना कॉफी गप्पे वो सब कुछ उसको निकाल कर जो क्वालिटेटिव स्टडी अगर आप कर रहे हैंटली तो फिर क्योंकि देखें अगर आप प्रम्स टारगेट करें नेक्स्ट ईयर का तो जाहिर है आप इस साल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो अगर आप एक डेढ़ साल पूरा इस तरह से करेंगे बिगनिंग में वेन आई स्टार्ट स्टडिंग इट डेट गो उससे ऊपर कभी नहीं गया मेरा तो उतना मेरी मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है मेरे की इतना पे रहने की। तो बिगनिंग में डेफिनेटली इट वेंट अपट आवर्स

तो मैंने किसी पर्टिकुलर रूटीन को नहीं फॉलो किया मेरा अपना एक रूटीन था जब मैं तो फुल सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी तो मैं अर्ली राइजर हूँ तो मैं सुबह उठ के कुछ पढ़ लेना ब्रेकफास्ट से पहले ही काफी ज़्यादा पढ़ लेना फिर उसके बाद लंच तक फिर लंच के बाद सो लिया यहा वहाँ थोड़ा बहुत फिर शाम को करंट अफेयर्स वगैरह देख लिया तो इस तरह से जब पूरी तरह से फिर जॉब के साथ तो आपको टाइम निकालना पड़ता है ना वो आपको छुपाना पड़ता है किसी तरह से

इंटरव्यू मेरा यूपीएससी की पूरी जर्नी में सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस कोई था दैट वाज माय इंटरव्यू अलहमदिल्लाड वेरी वेल इन इंटरव्यू तो मुझे इंटरव्यू uh, से मैंने मॉक दिया था एक ही जगह मैंने जाकर मॉक दिया था तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपने कितने मॉक्स देने हैं तो मैंने कहा था सर मैं क्योंकि तो इंटरव्यू से कुछ दिन पहले ही डेली गई थी जस्ट उतने दिन की आपको छुट्टी मिल पाती है तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप ज्यादा मॉक्स मत दें क्योंकि मॉक इज टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड दैट वी कैन सी इन यू तो आप ज्यादा मॉक मत दें आप अपना प्रिपेयर करें रेस्ट करें अच्छे से और जाए तो मैंने एक एक इंस्टीट्यूट में ही दिया था तो उन्होंने मुझे ये फीडबैक दिया तो मॉक तो फिर उसके बाद आई फेल्ट गुड कि नहीं होपफुली आई डू वेल इन इंटरव्यू तो इंटरव्यू फिर द डे ऑफ इंटरव्यू यू आर वेरी नर्वस जब वो वहां पर पहुँचते हैं सीरियस माहौल होता है आप बाकी एक्सपेरस को देखते हैं एंड देन देयर इज अ लाइन जिससे आपको अंदर पर्टिकुलर टाइम पे वो लोग डोर ओपन करेंगे आप अंदर जाएंगे आपको अपने फोन्स दे देने साइड पे इन सामान वो दे पुट और आपको कुछ टोकन देते हैं उसके बाद दे टेक यू इनसाइड देयर इज अ राउंड टेबल जहां पर 5 6 कैंडिडेट्स बैठते हैं और वो 5 6 कैंडिडेट्स एक पर्टिकुलर बोर्ड के पास जाते हैं बिकॉज़ देयर आर 6 टू 7 बोर्ड्स यूपीएससी में होते हैं इंटरव्यू के टाइम पे ताँपे। ताँपे। तो आई सैट ऑन वन ऑफ राउंड टेबल्स और फिर आपका वेरिफिकेशन वगैरह होता है तो वहाँ पर चलो आप दूसरे एस्परेंट से बात करते हैं तो आई वॉज वेरी ब्लेस्ड कि मेरे साथ जो दूसरे थे मेरे टेबल पर बैठे हुए थे तो देर वज़ वन कैंडिडेट ही अ वेरी जॉली नेचर तो उन्होंने बहुत हंसाया वग़ैरह उस टाइम लाइटर कर दिया बिल्कुल मोड को तो बहुत अच्छे से वहाँ पर टाइम निकलता है फिर आपको बताया जाता है आपकी टर्न आ गई है तो देन देर सम वन जो आपको स्कॉट करता है पूरा इंटरव्यू रूम तक और इंटरव्यू रूम के बाहर बिठा देते हैं आपको अकेले That is the really part. <laughs> क्योंकि वहां पर आप बिल्कुल अकेले होते हैं और आपको नहीं समझ आ रही होती कि अंदर जाकर क्या होगा बिकॉज इन देर इज नो वन जैसे आप बात भी कर सको किसी को देख सको और आपको बस दूसरे रूम से निकलता हो दिख रहा है कैंडिडेट किसी का मूड अच्छा दिख रहा है किसी का ऐसा दिख रहा है इसके साथ पता नहीं क्या हुआ होगा सो so, वो कोई दस <laughs> से बारह मिनट <laughs> मुझे लगता है वहाँ पर बैठना पड़ता है फिफ्टीन मिनट्स में भी वहाँ पर आप बहुत ज्यादा डर जाते हैं कम्फर्टेबल

येस डेफिनेटली डेफिनेटली बिकॉज कॉलेज में अदरवाइज क्या होता है हम सिलेबस का पढ़ते हैं बट सेंस आई वेरी एक्टिव इन डिबेट्स डिबेट्स तो तो हम करंट के topics, के टॉपिक्स लिए प्रिपेयर mm -hmm. प्रिपेयर करते थे वी टू डिबेट के लिए क्या होता है यू लुक एट दि प्रोज यू लुक एट दी कॉन्स और जब आप प्रिपरेशन में भी करते हैं जब जी एस का कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो आपको प्रोज भी, mm -hmm. भी बताने होते हैं कॉन्स भी बताने होते हैं सो आपका मेरा इतने टाइम से डिबेट्स कर करके माइंड वो कंडीशन हो गया था कि कोई टॉपिक आता है ना तो आप उसकी दोनों साइड्स को देख पाते हैं बिकॉज एज अ डिबेटर यू सी योर टॉपिक और आप सोचने लगते हैं कि आपको कौन सी साइड पकड़नी है अगर आपको फॉर में बोलना है तब भी आपको अगेंस्ट के कौन से आर्ग्यूमेंट्स होंगे जिनको आप काउंटर कर रहे हैं तो आपका माइंड कंडीशन हो जाता है उस तरह से तो मेरी डिबेट्स ने उस बहुत ज्यादा हेल्प की बिकॉज़ हम कोटेशंस बहुत सारी डिबेट्स के लिए याद करते थे वो आपको मेंस में बहुत हेल्प करती हैं इवन इन एथिक्स जीएस तो मुझे तो डिबेट्स ने काफी हेल्प एंड फॉर पर्सनालिटी टेस्ट आल्सो

बिकॉज आर्ट कोई भी हो नॉट जस्ट पोइट्री, इवन समी इज इन एनी अदर फॉर्म ऑफ आर्ट कुछ कैलीग्राफी बहुत खूबसूरत करते हैं कुछ पेंटिंग बहुत प्यारी करते हैं so तो मैं मानती हूँ कि आर्ट कुछ भी है ना अगर आर्ट तो बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी में क्योंकि वो आपको डेफिनेटली जैसा आपने कहा सैन रखता है क्योंकि हमारी दुनिया आज बाहर की दुनिया इतनी तेज हो चुकी है इतनी रफ्तार पकड़ चुकी है डेट यू डोन्ट है एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मतलब आपके पास वक्त ही नहीं आप दिन को काम करके आ रहे हैं आपके पास इतना वक्त नहीं होता कि आप शाम को बैठ कर सोच सकेंगे मैंने आज दिन में किया क्या है ना दैट्स नाउ क्योंकि आप वहाँ से आएंगे फैमिली के साथ थोड़ा टाइम फिर थक के इंसान सो जाता है किसी तरह से तो मुझे लगता है कि अगर आप पोइट्री या कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट है तो आप अपने दिल के जज्बा उनके थ्रू ज़ाहिर कर देते hmm. हैं तो कई दफ़ा दैट कीव्स यू वेरी स्टेबल मेंटली क्योंकि फिर आपको अदरवाइज देर आर इमोशंस जो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा करते हैं ना so nah, अभी अगर मैं आपको कुछ poetry जो भी आपको कुछ की जो दिमाग में आ रही या फिर आपकी जर्नी डिस्क्राइब करेंगे तो क्या है? मेरी जर्नी डिस्क्राइब एग्जैक्टली तो नहीं मुझे कुछ शायद बट बत, हाँ अलबत् बशीर बदर साहब की एक है लिखी हुई जो मुझे बहुत पसंद है और मुझे आज भी याद आ जाती है तो ये एक बड़ी खूबसूरत है वो कहते हैं कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा और ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा वा, वा, वा। मुझे ना वो मेमोरी याद आई जब हम पहली बार मिले थे एंड कोई इवेंट ही था कोई रेस्टोरेंट ही था आप पोईट्री रिसाइड कर रहे थे और किसी जो फाउंडर थे मैंने उनको पूछा था मैंने कहा ये शायद पहले पे डिसाइड कर चुके हैं देन आई गोम आपके डेक्लेन्स आपके जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह थे उनका वो okay, okay, okay. <laughs> um, uh -huh. हम पॉडकास्ट के लास्ट लेग में हैं uh, मुझे ये जानना है कि लोग कहते हैं कि के और आई विल बी द फाइनल डेस्टिनेशन आपके लिए अगर फाइनल डेस्टिनेशन है तो um, कैसे डिस्क्राइब करेंगे आपको और जो आपने इस जर्नी के दौरान सीखी है एंड यू वॉन्टेड टू कन्वे टू द अदर स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो क्या रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल आई डो नॉट बिलीव दैट इट इज द फाइनल डेस्टिनेशन नेवर एवर It's been almost a year since I'm already in the service case. And trust me, it's not the final destination. The real struggle begins after you sign that joining order or joining letter, whatever you submit in the office. Now. After that, the real struggle begins. This happened with me. I was delegated police services and then there's training and then there's so much uh, own set of struggles that I had to go through so i believe that this is never the final destination definitely it's something that you will begin from here in a completely different shade or aspect isse pale aapki student life year. तो तब सेट ऑफ स्ट्रगल्स अलग होते हैं तब लगता है बस जिस दिन क्वालिफाई हो गया तो बस ऐसा हमारे साथ भी होता है mm. हमें भी लगता था ऐसा बट सिंस आई एम ऑलरेडी इन दिस सर्विस एक साल से तो आई नाउ टोटली अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट दिस इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन डेफिनेटली इट्स समथिंग रियली ग्रेट इट गिव्स यू दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट इट मेक्स एवरीबॉडी प्राउड अराउंड यू योर फैमिली एंड एवरीबॉडी एवरीबडीज एसोसिएटेड विद यू इन एनी मैनर फील्स प्राउड के इसने कर लिया है डेफिनेटली देयर इज नो सेकंड थॉट टू इट बट इट्स नेवर द फाइनल डेस्टिनेशन स्ट्रगल बिगम्स आफ्टर दैट बिकॉज देन आप किसी मकाम पर पहुँच तो गए हैं पर आप उसको बरकरार कैसे रखते हैं दैट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट यू कैन रीच दी टॉप दीपनिकल और वॉट एवर मे बी केस इन दिस तो बट उसके बाद आप उसको मैंटेन किस तरह से करते हैं आप उसके बाद सी ना वो योर इन दी सर्विस ना वो आप किस मोटिवेशन के साथ सर्विस में आए आप सच में सर्व कर पाते हैं लोगों को या नहीं कर पाते हैं आप सर्विस के साथ साथ अपनी फैमिली को भी मैनेज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं आपकी को हमेशा पोस्टिंग्स अपनी मर्जी की नहीं मिलेंगी इंस्पाइट ऑफ दैट आप उस जज्बे के साथ काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते कई दफ़ा आपको ऑफिस में ऊपर से हायर आपसे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है तो उस प्रेशर में भी आप काम अच्छे से कर पाते हैं या नहीं सो so, बहुत कुछ है ऐसा बहुत कुछ है जो आपको सर्विस ज्वाइन करने के बाद पता चलता है सो आई जस्ट आई वुड लाइक टू टेल देम दैट दिस इज़ नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन बट डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग रियली गुड दिस फीलिंग इज़ ब्यूटिफुल आपने कुछ अचीव किया जिंदगी में और आपके वालदेन आपके पेरेंट्स सब आपकी वजह से इतने खुश हैं दे आर सो प्राउड ऑफ यू सो दैट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग तो आप मेहनत करें इसके लिए कि आप मेहनत करें अपनी तरफ से अपना हार्डवर्क दें बी फोकस्ड ऑन योर करियर और मैं यूथ को खास तौर पे क्योंकि आपकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है तो मैं यूथ को यही कहना चाहूँगी कि लेकिन ये जो आपका यूथ का एज पीरियड है ना ये आफ्टर ट्वेल्थ और ये है मिड ट्वेंटीज और ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स और दैट मैटर ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन ये जो पीरियड है तो इसका सही यूटिलाइज अगर ये सही तरीके से यूटिलाइज हो जाता है तो यू कैन श्योरली डू नॉट इन सिविल सर्विसेज कोई ऑन्ट्रप्रिनर बन रहा है कोई किसी और फील्ड में जा रहा है किसी का टीचिंग पैशन है वो वो फॉलो कर रहा है कोई म्यूजिशियन बन रहा है वॉट मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ये जो क्योंकि इस टाइम पर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है बायोलॉजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं आप आप अपनी इस एनर्जी को चैनलाइज करें अच्छे तरीके से और एक कंस्ट्रक्टिव वे में उसका यूज़ करें सो दैट so जो उसका आउटकम है ना वो किसी भी शक्ल में हो दैट डजेंट मैटर कि उसका पेरेंट्स क्या है किसी के लिए वो सिविल सर्विस क्वालिफाई करना है तो किसी के लिए कुछ और होगा तो जो लास्ट में जिस भी शक्ल में वो निकले तो वो बेनिफिशियल आप अपने लिए भी साबित हो आपके लिए और आपकी सोसाइटी आपके माशरे आपके मुल्क के लिए भी साबित हो बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सो मच मैम आप यहाँ पे आए हमारे साथ वक्त निकाला एंड फॉर गिविंग द टिप्स ज्यादा ज्यादा कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते पोइट्री हाँ का जा। बहुत है तो मैं अपना लिखा हुआ कुछ चंद बोलना चाहूंगी तेरी रहमत से बेजार नहीं है अब तो अपने भी गमखार नहीं है तू तो अगर बख्श दे तो क्या बात मौला वरना जीने के आसार नहीं है और फिक्र कजा तो नहीं लेकिन ये खौफ नहीं जाता तेरे रूबरू होने को अभी हम तैयार नहीं हैं करने का ट्राई किया है उनसे हर एक क्वेश्चन पूछने का कोशिश की है अगर आपको इस पॉडकास्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर बाकी पॉडकास्ट के रिलेटेड कोई क्वेरी है आपको लगता है कि हमें किस गेस्ट को बुलाना चाहिए तो प्लीज डू कॉमेंट एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स विद योर फैमिली जो प्रिपेयर कर रहे हैं एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वन